हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विच इज रिगार्डिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम्स हमने पहले भी डिस्कस की। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि यहाँ एक ब्रिज की फॉर्मेशन होगी एंड दैट ब्रिज इज फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ फोर रेजिस्टर आर्म्स। Means Wheatstone bridge is a network of four resistances so as to form a bridge. Network of four resistances to form a bridge like structure. To form a bridge. और इसका use क्या है? Which is used. यहाँ पे देखिए कि आपके पास चार रेजिस्टेंस आर्म्स हैं, एक पी क्यू आर और एस। इनमें से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं से एस की इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री पी क्यू आर और यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो हमने वो प्रिंसिपल डिस्कस करना है कि क्या प्रिंसिपल है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन, विच इज यूज टू फाइंड unknown resistance say S in terms of three other non-resistances. अब जब ब्रिज की बात करें तो हम करते क्या हैं कि सपोज हमारे पास पॉइंट ए है और ए से हम बी की तरफ एक रेजिस्टेंस पी के थ्रू, देन क्यू रेजिस्टेंस के बाद सी पे पहुंच जाते हैं, सी टू डी एस और ए टू डी आपके पास आर, मीन्स एक पतंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस पॉइंट बी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, वो आपने देखे थे आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर हमने लिए थे और यहाँ पे आर फाइव लिया था। बैलेंस ब्रिज और अनबैलेंस ब्रिज दोनों के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब ये जो टर्मिनल्स ए और सी हैं, इनके बीच में एक सेल कनेक्ट कर दी जाती है, सपोज इसकी ईएमएफ है ई और एक की के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, इसकी को नाम दे दिया हमने K1। यहां इस आर बी और डी के बीच में, बी और बी डी टर्मिनल्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हैविंग ए सम फाइनाइट स्मॉल रेजिस्टेंस, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू ए की K2। अब इसकी ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन की बात आते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नल मेथड के ऊपर बेस्ड है। नल मेथड का मतलब ये हुआ कि सपोज ये जो इस आर्म के अंदर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, बैलेंस्ड कंडीशन के ऊपर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, नील डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो नल मेथड के ऊपर बेस्ड है। और वो नल की कंडीशन क्या आती है कि इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो P by Q is equal to R by S आता है। तो हम अगर बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की, तो कहता है कि अगर हम चार रेजिस्टेंस P, Q, R, S को लेकर के एक ब्रिज बना देते हैं जैसा कि हमने फिगर में दिखाया, और अगर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है तो कहता है कि देन नो करंट फ्लोस थ्रू द गैल्वेनोमीटर आर्म्स, मींस पोटेंशियल ऑफ B will be equal to potential of D। कहता है कि if P, Q, R, S form a bridge such that potential of B is equal to potential of D, यदि potential B का D के बराबर हो जाए, then ये condition आती है कि P by Q is equal to R by S। Obviously बात है कि जब B point का potential और D का potential same होगा, suppose यहाँ 5 volt, यहाँ 5 volt, तो potential difference होगा नहीं, और potential difference होगा तभी तो current flow करता है। इसका मतलब potential difference नहीं है तो current flow नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं इस galvanometer arm के अंदर कोई भी current flow नहीं करेगा, that is current through the galvanometer is zero, और you can say कि galvanometer shows no deflection, galvanometer shows
नल डिफ्लेक्शन कह दीजिए या नो डिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको नल डिफ्लेक्शन मेथड का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और क्योंकि नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है तो ये मोस्ट एक्यूरेट है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो इसके लिए ये प्रिंसिपल आपका अप्लाई होगा, मीन्स रेशियो इनका सेम होगा। एक्चुअली ये जो पी और क्यू का जो रेशियो होता है, इन पी और क्यू रेशियो को हम रेशियो आर्म्स कहते हैं, पी एंड क्यू आर नोन एज रेशियो आर्म्स। और ये जो रेजिस्टेंस आर होता है ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब हमने सपोज एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स ले लिया, और उससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पिकअप कर सकते हैं, वो भी नोन। और एस अननोन रेजिस्टेंस होता है। और ये जो आपका पी और क्यू रेजिस्टेंसेज है, ये दे आर इन सर्टेन रेशियो, तो इनको हम रेशियो आर्म्स कहते हैं। तो हम पहले इस कंडीशन को ऑब्टेन करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब हमें ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में हमने एक सेल कनेक्ट कर दी, इसे ईएमएफ ई की, तो ये सेल से ये जो रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है ये कुछ करंट ड्रा करता है। सपोज ये करंट ड्रा किया आई, और यहाँ इस पॉइंट पे जंक्शन पे जाने के बाद इस आर्म के अंदर पी के थ्रू से आई वन करंट फ्लो करता है। तो ये अगर टोटल करंट यहाँ आई आया था तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेस्ट ऑफ द करंट, बाकी का बचा हुआ करंट कितना हुआ, आई माइनस I1, वो इस R के थ्रू जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, तो यहाँ इस B से जो D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर जो करंट है, सपोज हमने I से अज्यूम कर लिया, और G जो क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर यहां से करंट आया IZ और इस ब्रांच से आया I माइनस I1, तो इस आर्म के अंदर जो आएगा कितना आएगा, I माइनस I1 के साथ ही IZ और ऐड हो जाएगा जब इसकी को क्लोज करेंगे। पहले हमने इसकी को क्लोज किया था, सर्किट क्लोज हुआ तो करंट I ड्रा हुआ, और ये वाली टैप की तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, तो I माइनस I1 प्लस IZ, ठीक है, ये यहाँ आया। जब यहाँ पे आपने देखा था कि इधर सर करंट आया था इस जंक्शन के ऊपर I1, और उसका IG पोर्शन इधर की तरफ चला गया, तो इसका बचा हुआ पोर्शन किरचॉफ्स करंट लॉ से वो कितना हुआ, I1 माइनस IG, वो इस आर्म में जाएगा। और ये I1 माइनस IG और I माइनस I1 और IG मिलेंगे, तो यहाँ IG से IG कट जाएगा प्लस और माइनस का, I1 से I1 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, दैट इज I, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, I बचेगा, तो ये I वापस रिटर्न हो गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ अगर ब्रिज, सो अगर हमारे पास ये जो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में मींस पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल अगर सेम, मींस करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो है, तो ये कंडीशन आती है। और अगर हम इसका वाइस करें, मींस अगर पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस रेशियो आता है, तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो, मींस ये कंडीशन है आपके पास। अगर ये वाली कंडीशन होगी वी बी और बी डी बराबर, दैट इज आई जी इक्वल टू जीरो, मीन्स आई जी इक्वल टू जीरो होगा, तो ये आएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, और अगर पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है तो करंट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो, मीन्स दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इज इंप्लाइड बाय दिस। आप रेशियो ऐसे भी ले सकते हैं, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस लेने की बजाय पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, चाहे हॉरिजॉन्टल रेशियो चाहे वर्टिकल रेशियो, अगर वो रेशियो सेम है तो ये ब्रिज बैलेंस कहा जाएगा, और बैलेंस कहा जाएगा तो इस आर्म के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इस आर्म की इररिलेवेंस होगी, कोई रेलिवेंस नहीं है, इसको हटा देंगे, और इसको हटा देंगे तो उसके बाद हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पहले निकाल चुके थे। और अगर मान लो ब्रिज अनबैलेंस हो, और अनबैलेंस होगा मीन्स इसमें से कुछ करंट जाएगा, मीन्स ये रेशियो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस नहीं होगा, मीन्स यार रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा, तो बी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं मिलेगा, या तो बी का पोटेंशियल डी से ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल डी से कम होगा, तो करंट फ्लो करेगा इधर फ्रॉम बी टू डी और डी टू बी, ये भी बताएंगे कौन सी कंडीशन के लिए ऐसा होगा। तो वो करंट अगर निकालना हो तो भी, और इस कंडीशन को निकालना है तो भी, तो हम क्या करेंगे, दो लूप लेंगे, एक तो ए बी डी ए, इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, एक दूसरा लूप बी सी डी बी। अगर बैलेंस है तो हमें ये केवल दो ही लूप लेने, लूप वन एंड दिस इज लूप टू, बैलेंस्ड कंडीशन निकालनी है। और अगर हमें अनबैलेंस्ड है और करंट थ्रू थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर निकालना है,
तो उसके लिए हम लोग ये 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, इसके अलावा एक थर्ड लूप और लिया जाएगा, वो लूप आप ये ले सकते हो इस तरह से, या तो ये नीचे वाला लूप ले लीजिए या ये ऊपर वाला लूप, ऐसे कोई भी एक लूप लिया जा सकता है। मीन सपोज यहाँ पे ए डी सी ई ए, ये लूप भी लिया जाएगा एडिशनल, जब हम करें थोड़ा भी एलिमेंट निकालना। तो एनसीईआरटी में सॉल्व प्रॉब्लम भी है, अनसॉल्व भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे। पहले बैलेंस ब्रिज की कंडीशन निकाल लेते हैं। तो हमने पहले आपके पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है इस लूप के ऊपर, ठीक है। तो करंट देखिए इधर की तरफ जा रहा है इस आर्म के अंदर, तो ये हायर पोटेंशियल एंड, ये लोअर पोटेंशियल एंड। तो फाइनली हम किस पे पहुंचे, लोअर पोटेंशियल पे। लोअर पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल का फॉल हुआ, और फॉल इन पोटेंशियल या लॉस इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, आई इन टू पी नेगेटिव का। इधर आएंगे वही बात, आई जी इन टू जी, लेकिन इधर जाएंगे तो ये आपके पास देख रहे हो कि करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल एंड और ये लोअर पोटेंशियल एंड, और हम जा रहे हैं इधर से इधर की तरफ, तो उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गेन होगा, तो इसका पॉजिटिव लिखा जाएगा। मीन्स अगर मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन क्लोज लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए, तो इस ए बी डी ए पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, पोटेंशियल नेगेटिव, तो माइनस का आई वन इनटू रेजिस्टेंस बी, आई इनटू आर। इधर की तरफ गए बी से डी, तो बी से डी केवल आपके पास क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो आई सी इनटू जी होगा, लेकिन क्या होगा कि करंट को भी अगर होगा तो इधर से इधर की तरफ जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हुआ, फॉल, तो इसको भी नेगेटिव लिखा जाएगा, माइनस आई सी इनटू जी। फिर अब इधर की तरफ गए डी टू ए, जब डी टू ए जा रहे हैं तो करंट तो जा रहा है इस एंड से इस एंड तक, मीन पोटेंशियल पॉजिटिव से ही नेगेटिव, लेकिन आप जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल गेन हुआ, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप, मीन आई माइनस आई वन इंटू आर कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, तो प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर, बस आई माइनस आई वन इंटू आर, ठीक है। आप ए से गए थे बी, बी से गए डी, डी से गए ए, ये क्लोज लूप का पूरा हो गया, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद हम इस क्लोज लूप बी सी डी बी पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बी सी डी बी पे अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से जहां जा रहे हो करंट की डायरेक्शन, हम यहाँ लिखा था करंट की डायरेक्शन जाते तो नेगेटिव आता है, और करंट के अपोजिट जाते थे, करंट के अपोजिट जाते थे तो कैसा आता था, पॉजिटिव। तो हम किधर जा रहे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे, तो कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव, मीन्स क्योंकि ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला कैसा नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव हुआ ना, तो करंट की डायरेक्शन जाए तो नेगेटिव, तो माइनस में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन क्लोज लूप, क्या नाम है इस लूप का बताइए, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये आया नेगेटिव का आई वन माइनस आई जी और इंटू क्यू। फिर इधर सी से डी जा रहे, तो यहां करंट जा रहा था इस एंड से और इस एंड की तरफ, ठीक है। तो आप जा रहे हो सी से डी की तरफ, तो पोटेंशियल क्या होगा, गेन हो गया पॉजिटिव, पहुंची आप तो पॉजिटिव लिखा जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, क्योंकि आप जा रहे हो किधर, करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट तो प्लस, और करंट की डायरेक्शन में तो माइनस। तो ये आपका कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये वाला तो करंट की डायरेक्शन में था तो ये तो नेगेटिव लिखा जाएगा, तो ये तो लिख दिया हमने माइनस, ये इधर की तरह करंट के अपोजिट आए तो ये लिखा जा रहा है कैसा, प्लस, प्लस में आई माइनस आई वन प्लस आई जी और इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू एस, ठीक है। बी से सी आ गए, सी से डी, अब डी टू कहां जा रहे हैं, बी जा रहे हैं, डी टू बी जाते हैं तो आप देखिए करंट इधर से बी से डी बता रखा है आपने, मीन्स ये वाला पॉजिटिव एंड बता रखा है और ये वाला एंड कैसा बता रखा है, नेगेटिव बता रखा है, तो आप जा रहे हो डी टू बी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे तो इसका पॉजिटिव हुआ फाइनली, तो पॉजिटिव लिखा जाएगा तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो, आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बैलेंस ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, मींस आई इज इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों इक्वेशन में हम आई इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। सो कहते हैं कि फॉर बैलेंस ब्रिज कंडीशन, बैलेंस ब्रिज कंडीशन के लिए आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, तो आई इज इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब एक तो टर्म नहीं है उसकी, ठीक है, एक टर्म आपके पास ये जीरो होगी इस इक्वेशन के अंदर,
एक इस इक्वेशन के अंदर से ये टर्म हट जाएगी, यहाँ एक इस इक्वेशन के अंदर से ये टर्म हट जाएगी, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बताइए, इसे माइनस आई वन बी प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू जीरो। आप देख रहे होगे कि ये तो आई वन और आई माइनस आई वन में, ये आई वन और आई माइनस आई वन के अंदर इक्वेशन बची है, दोनों इक्वेशन आई वन और आई माइनस आई वन में, तो एक तरफ तो आई माइनस आई वन रख ले और दूसरी तरफ क्या कर दे आई वन रख दे, तो वैसा ही करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने इस टर्म को ऐसे लिख दिया आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन पी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इस टर्म को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही अब इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या है देखिए, माइनस आई वन क्यू प्लस में आई माइनस आई वन इंटू एस और ये टर्म जीरो इक्वल टू जीरो, फिर इसमें आई वन के टर्म को उधर कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू आई वन क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन पे अपना कंसंट्रेशन देखें तो ये i माइनस आई वन के टर्म है, इसमें इसमें भी i माइनस आई वन के टर्म है, इधर की तरफ i वन है और इधर तक i वन है, तो अगर इनको रेशो कर दें तो आपने कहा डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करेंगे और राइट साइड राइट को, लेफ्ट में क्या है बताइए i माइनस आई वन इंटू आर divided by I minus I1 into S is equal to I1P divided by I1Q, I1 से I1 cancel हो गया, यहाँ से I minus I1 cancel हो गया, तो this implies that R by S is equal to P by Q, this implies that P by Q is equal to R by S, और यही आपके पास क्या है, which is balanced bridge condition, which is balanced bridge condition। कहने का मतलब ये होगा कि अगर i से जीरो लेंगे तो p by q is equal to r by s आएगा, और अगर p by q is equal to r by s लोगे तो पॉइंट b और d का पोटेंशियल सेफ आ जाएगा और करंट जो गैल्वेनोमीटर आर में उसके अंदर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये बात तो तब आई जब आपके पास p by q is equal to r by s हुआ, तो इससे i से equal to zero लिया गया। अगर इसका उल्टा हो जीरो तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये आपके पास बेस का क्या है प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। क्यों एक्यूरेटली क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नल पॉइंट, ये नल पॉइंट मेथड के ऊपर बेस्ड है इस कारण से। अब हम ये देखने की मान लो बाय द वे ऐसा सीन हो जाए कि हमारे पास ये रेशो सेम ना हो, पहले तो रेशो सेम होता की बात, ये मान लो सपोज आपके पास एक ब्रिज बन जाए, मान ली ये मैंने लिखा 10, ये लिख दिया मैंने 5, ठीक है, और ये मैंने लिखा 6 और ये लिख दिया मैंने 3, तो अब देखिए 10 और 5 का रेशो 2 और 6 और 3 का रेशो भी 2, तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई रेजिस्टेंस अगर 5 ओम का मैंने लगा दिया तो इस 5 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि रेशो क्या है सेम। अब बाय द वे रेशो अगर सेम ना हो, कहने का मतलब सपोज ये 4, ठीक है, तो इस आर्क के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब करंट किधर से किधर फ्लो करेगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करना, ठीक है, ध्यान रखिए कैसे, कि अगर ब्रिज अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड का मतलब ये होगा पी बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू आर बाई एस, और ये कंडीशन है तो इसका मतलब आई जी भी क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो आई तक करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी फ्लो करेगा या तो ये या फ्लो करेगा डी टू बी। केस फर्स्ट हम लेते हैं जब P और Q का रेशो P by Q is less than R by S, P by Q का रेशो R by S से कम है, then P
B will be at higher potential than D, then VB will be greater than VD. That is, if B point का जो potential ज़्यादा तो current flow करेगा B to D. That is, current IZ flows from B to D. Case secondly आपने इसका उल्टा. If P by Q is greater than R by S, means ये ratio इससे ज़्यादा होगा. तो D potential higher पे होगा और B potential lower पे होगा. तो current flow करेगा from D to B. Then VB will be greater than VB. That is, current IZ flows from D to B. तो ये ध्यान रखना कि अगर ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो करंट फ्लो करेगा. अगर हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड होता है, सपोज मैं कोई वैल्यू जैसे अभी एग्जांपल लिया था उससे हम बात कर रहे थे. सपोज हमने कोई ब्रिज माना, इस वैल्यू को आर वन, इसको आर टू कह दिया, इसको आर थ्री और इसको आर फोर, पी क्यू आर और एस, और ये रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है आर फाइव. ठीक है, सपोज ये वैल्यू हमने लिखी थी 10, ये लिखी थी हमने 5 और ये लिखी थी हमने 6 और ये लिखी थी 3 और ये कोई वैल्यू लिखी 5 है. तो आप देख रहे होगे कि यहां हमारे पास P by Q का रेशो 10 by 5 is 2, यहां पे 6 by 3 is 2. तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है. तो इसका मतलब इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये आर्म यहां से हट जाएगी. यहां से हटा देते थे आप इसको और इसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाते थे. ये R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाता था R1 2. ऐसे ये 3 और 4 भी आपस में सीरीज हो जाते थे. ये आ जाता था R3 4 और ये R1 2 और R3 4 ये आपस में किस में जाते थे, पैरेलल में. और आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते थे इन पॉइंट्स A और B के बीच में आपने करे भी. लेकिन सिचुएशन तब टिपिकल हो जाती है कि जब ये रेशियो सेम ना हो. मान लो सपोज मैंने इसको 4 कर दिया, तब तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इस आर फाइव में करंट फ्लो करेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता. तो उस केस में करंट कैसे निकाले, वो मैंने अभी बताया था कि आपके पास दो लूप बनेंगे, एक तो ए बी डी ए, दूसरा बी सी डी बी, जो अभी आपने लिए भी थे बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए. इसके अलावा आपको एक लूप और लेना पड़ता है जिसको हमने सलमान ली थी बोल दी. ठीक, और ये हमारे पास इनको रेजिस्टेंस, इसको R1, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया और इसको R4 कह दिया. और हमने कहा कि R1 by R2 is not equal to R3 by R4. तो इसका मतलब इस R5 में करंट फ्लो करेगा. अगर ये रेशो कम है, तो हमने भी बताया था कि रेशो अगर कम है तो करंट फ्लो करेगा B to D. अगर ये रेशो इस रेशो से ज्यादा है तो करंट फ्लो करेगा B to B. ठीक है, अब वो कितना करंट फ्लो करेगा उसको हम एक इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, एक इस लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन बन जाएंगे. एक तीसरी इक्वेशन आपने एक ये लूप ले लेंगे, ये मान लो सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी, और इसको बोल दिया डी. तो एक ये लूप ले लिया जाएगा ये वाला. सो अगर हमने आर फाइव रेजिस्टर में से करंट निकालना है तो हमें दो लूप दिए थे, वन ए बी डी ए, सेकेंड बी सी डी बी, और एक थर्ड लूप लेना है ए डी सी ई ए. मीन्स आपने दो लूप, तीन लूप लिए, ए बी डी ए इससे एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी बी सी डी बी ये वाला दो इससे, और तीसरा आप ये ले लीजिए ए डी सी ई ए, ए डी सी ई ए. तो इन तीनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगी, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से, थर्ड यहाँ से, और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके हम करंट फ्लो आर फाइव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये भी हमने बता दिया कि रेशो कम है तो करंट फ्लो करेगा बी टू डी, और ये रेशो कम है तो इधर से इधर तक फ्लो करेगा. ठीक है, अब ये तो बात थी कि अगर ब्रिज आपका अनबैलेंस्ड है और करंट निकालना है, तो एक हमने पहले शॉर्टकट ट्रिक भी लिखी थी कि अगर मान लीजिए कि हमारा ब्रिज अनबैलेंस्ड है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना इन दो टर्मिनल्स के बीच में,
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था आर इफेक्टिव, देखिए कैसे हमने लिखा था आर वन प्लस आर टू, पहले डिवीजन लिख दिया था आर वन प्लस आर टू, इन दोनों का प्लस किया, इन दोनों का प्रोडक्ट आर थ्री आर फोर, फिर इन दोनों का सम किया, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस आर थ्री प्लस आर फोर इंटू आर वन आर टू, पहले वन टू का सम, थ्री फोर का प्रोडक्ट, फिर थ्री फोर का सम और आर वन टू का प्रोडक्ट, पहले इन दोनों का जोड़ ये गुणा है, ठीक है, फिर इन दोनों का जोड़ और ये गुणा है, गुणा का मतलब गुथम गुथी, आप ये समझ लीजिए कि पहले इन दोनों ने मिलकर किसी साथ लड़ाई कर ली, फिर इन दोनों ने मिलकर किसी टाइम नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो इसके साथ लड़ाई कर ली, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बीच में बिचौला आ गया आर फाइव, और ये बिचौले ने दोनों के आपस में लड़ाई करवा दी आर वन प्लस आर टू और आर थ्री प्लस आर फोर, आर वन प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर फोर, यही समझ लीजिए कि इन चारों को बिठा लिया आपस में, ठीक है, फिर जब इनको पता चला कि ये तो हमें बिठवा रहा है लड़वा रहा है, तो इसके बाद क्या हुआ, इस R5 को इन सब ने मिलकर के कूट दिया कि तो हमें बिड़वा रहे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ले लिया, ये था, इसके बाद क्या किया था हमने कि R1 R3 अलग अलग हो जाएंगे, R2 और R4 अलग हो जाएंगे जब उनकी लड़ाई लड़ाई सब खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R4, इस फार्मूले से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम जो किट्स ऑफ लॉस का मेथड है वो यूज कर रहे हैं टू फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो आपको क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है, इसमें दिया हुआ है कि आपके पास ये टर्मिनल सपोज हमने ए बोल दिया और बी, इसको सी, इसको डी, और इस सेल को बोल दिया हमने सपोज डी, ये 100 ओम रेजिस्टर है, ये 10 ओम, ये 60 और ये 5, तो आप रेशियो देखोगे 100 by 10, ये P by Q ratio आपका, ये आपके पास आ गया 10, और R और S का ratio निकाला आपने, R and S are 60 divided by 5 that is 12, तो आप ये कहोगे कि P by Q is not equal to R by S, P by Q R by S के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो इस बैटरी जिसकी वैल्यू 10 वोल्ट पे रखी है, आप इसमें से सपोज टोटल करंट रहा हुआ तो कुछ पार्ट इस पार्ट में चला गया, ऐसे इसको मैंने I1 कह दिया, रेस्ट आई माइनस आई वन भी मान सकते हो, या इसको ऐसे लिख दे कि इसको आई टू कह दिया, तो ये टोटल करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे आया होगा कितना, आई वन प्लस आई टू, अभी आई वन प्लस आई टू करंट यहां से जाएगा तो आई जी करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू मान दिया, ठीक है, तो इधर की तरफ कितना बचेगा करंट, आई वन आया था, आई वन में से आई जी इधर चला गया, तो आई वन माइनस आई जी, यहाँ आकर के I2 आया था, I2 के साथ IC मिल जाएगा, तो इधर की तरफ करंट जा रहा होगा I2 प्लस IC में, ठीक है, अब ये I2 प्लस IC इसके साथ मिलेगा तो IC से IC कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास I1 प्लस I2 वापस से रिटर्न हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि तीन इक्वेशन लेनी है, वो तीन इक्वेशन कैसे बनेगी, कैलकुलेटर से वोल्टेज ला अप्लाई करेंगे कौन से लूप पे, ए बी डी के लूप पे, ऑन क्लोज्ड लूप A, B, D. तो A, B, D पे अप्लाई करेंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 90 लिखा जाए, कितना लिखा जाए, माइनस 100 I1, इधर की तरफ करंट की डायरेक्शन में ही है, तो माइनस में IC इनटू G, इधर जाएंगे करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसको प्लस लिख दिया जाएगा, प्लस में कितना 60 IT, 60 I2, ठीक है, इक्वल टू 0। आप अगर कन्वेंशन इसका उल्टा भी लेते हैं, उल्टा लेने का मतलब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो, तो इधर तो जीरो है, तो माइनस से गुणा करें तो 100 I1 प्लस IZ और माइनस 60 I2 इक्वल टू जीरो, तब भी वो जो कन्वेंशन है उल्टा यूज किया, उल्टा यूज करने का करंट की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव कर दे, इस करंट की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव कर दे और करंट के अपोजिट वाले को नेगेटिव कर दे, तो भी कोई कन्वेंशन पे फर्क नहीं पड़ता है, कई बुक्स के अंदर सभी दोनों तरह के कन्वेंशन मेंशन होते हैं, तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, आइदर ऑफ देम, ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव या करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, तो यहां हमने करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि ये एंड हायर एंड पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो जब करंट यहां से आ गया तो इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन जाते तो नेगेटिव होता, तो करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, इसका करंट की डायरेक्शन नेगेटिव, लेकिन करंट के अपोजिट, क्योंकि यहां करंट चला यहां से यहां की तरफ, तो अब जा रहे हो इधर की तरफ, तो करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो कैसा हुआ, पॉजिटिव आ गया, तो इसको प्लस लिखा, तो 60 आएगा,
समझ गए बात, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया आपने, IC into G, G आपके पास कितना है 50 ओम, 15 है, तो आपने इसको 15 IC लिख दिया। एक चीज और आपके पास यहाँ देख रहे होगे कि इन तीनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर, तो पहले कॉमन दे दीजिए इसके बाद नंबर डाल देना इसके, आपके पास ये आया 5 कॉमन आ गया दोनों, तो 5 कॉमन आ गया पूरे टर्म के अंदर, दैट इज -20 I1 एंड -3 IZ प्लस 12 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहो मतलब दूसरा अपोजिट कन्वेंशन, तो ये सारा प्लस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बोल दिया। अब क्लोज लूप किसकी बात करें, बी सी डी में पे जल्दी से क्लोज लूप केवीएल ऑन क्लोज लूप कौन सा, बी सी डी बी, तो बी सी डी बी पे अप्लाई करेंगे तो देखिए इधर करंट की डायरेक्शन चाहे तो नेगेटिव, तो कितना होगा आई वन माइनस आई जी इंटू 10 और नेगेटिव का 10 आई वन माइनस आई जी। ठीक है, फिर इधर की तरफ गए तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस, प्लस में कितना 5 और कितना आई टू प्लस आई जी। ठीक है, और फिर इधर की तरफ आ गए तो करंट के किधर है अपोजिट, तो फिर भी ये प्लस लिखा जाएगा, तो प्लस 15 आई जी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना माइनस 10 आई वन माइनस माइनस प्लस 10 आई जी प्लस 5 आई टू प्लस 5 आई जी प्लस 15 आई जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई जी की टर्म है, आई टू की टर्म है और आई वन की टर्म है, तो पहले आई जी देख लीजिए 10 5 एंड 15, ये आपके पास होगी 15 प्लस 15 30, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया माइनस 10 आई वन प्लस 30 आई जी और आई टू हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां भी आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आ गया माइनस 2 आई वन 5 के बाद 6 आई जी और प्लस आई टू इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारे पास इक्वेशन आई वन आई जी और आई टू में, ये आई वन आई जी और आई टू में दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं हम, किसी एक वेरिएबल को काट देंगे, सपोज आई वन को काट देंगे तो आई टू और आई जी में बच जाएगा, तो आई टू और आई जी में इस तरह की इक्वेशन आ सकता है क्योंकि आई टू या आई टू और आई जी, तो हमने कौन सा लूप ले लिया ए डी सी ई ए, तो फिर चौस वोल्टेज का ऑन लूप ए डी सी ई ए। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई करिए, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो हायर टू लोअर बचे तो पोटेंशियल नेगेटिव, तो कितना माइनस 60 आई टू, इधर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस 5 और आई टू प्लस आई जी। ठीक है, और फिर इधर की तरफ घूम करके आए तो सेल देखो ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव, तो फाइनली इस पे पहुंचे पॉजिटिव पे, तो इसकी वैल्यू कैसे लिख जाएगी प्लस 10 और इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस 60 आई टू माइनस 5 आई टू और माइनस 5 आई जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया माइनस 65 आई टू और माइनस 5 आई जी इक्वल टू 0। फिर 5 कट गया इसमें से, तो 13 5 65 होता है, तो आपके पास इक्वेशन बन गई। सो ये हम एक 10 टर्म छोड़ गए थे, इसको भी ले लेते हैं, ये प्लस 10 का इक्वल टू 0, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें प्लस 10 इक्वल टू 0, तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आएगा तो पहली टर्म आ गई माइनस 35 13 आई टू 13 5 65, ये हो गया माइनस आई जी और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सो हमने यहाँ तीनों के लूप के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लगा रखा था कि तीन इक्वेशन आ गई, एक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी आई वन आई जी और आई टू में, आई वन आई जी और आई टू में, तो इसमें किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करके या तो आई वन डिसअपीयर कर ले आई टू डिसअपीयर कर लेते हैं, तो आई वन डिसअपीयर करेंगे तो आई टू और आई जी के अंदर इक्वेशन आ जाएगी और आई टू और आई जी के अंदर ही थर्ड इक्वेशन है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो मैं पहले इसके आई वन कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास है माइनस 12 i2 = 0 और सेकंड में हमारे पास है माइनस 2 i1, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 i1, फिर अगली टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 60 i, और फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास i2, तो 10 i2 इक्वल टू 0। अब अगर मान लो इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस, ये प्लस और माइनस ये कट गई, तो आपके पास इक्वेशन जो आई वो आई सी तो कितनी होगी माइनस 3 और माइनस 60, माइनस 63 आई सी और 12 i2 में से 10 i2, तो दैट इज विल बी 2 i2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम थर्ड और फोर्थ को देखें तो थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन किसके अंदर है, i2 i2 i z और i z, तो i2 और i z के अंदर दोनों इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो हमें क्योंकि क्या करना है i z निकालना है, तो i2 को बराबर कर देते हैं, तो i2 में इसके पास तो कोफिशियंट है 2 और इसके पास कोफिशियंट है 13, तो इसको तो 13 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा हमारे पास, तो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, i z की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको करिए इक्वल, ये वाली थर्ड इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन फोर्थ। सो इस इक्वेशन को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 13 × 63, और ये आपके पास आएगा -819 i z, ठीक है, इसको करेंगे 13 से, दैट इज 26 i2 = 0। इस वाली इक्वेशन को करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -26 i2 और 2 से किया तो 2 i z और प्लस 2 × 2 = 4 इक्वल टू 0। इसी इसको ऐसे लिख दें माइनस 26 i2 माइनस 2 i z इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर से 5। तो इस इक्वेशन को से 5 बोल दिया और इसको 6 बोल दिया, तो 5 और 6 को सोल्व करते हैं, तो इसके नीचे ले आता हूँ मैं, ये आपके पास आ गया i2 के नीचे i2 माइनस 26 i2, ठीक है, i z के नीचे i z माइनस 2 i z, ठीक है, और आपके पास इक्वल टू कितना है -4। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देंगे तो i2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा आपके पास i z, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -821 i z इक्वल टू कितना हो गया -4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो i z की वैल्यू कितनी आ गई 4/821 एम्पियर। इसको आप सोल्व कर लीजिए, वो वैल्यू आपके पास i z की होगी। और अगर ये रेशो देखते हम, इन दोनों का रेशो सेम नहीं था, तो इसके अंदर करंट फ्लो करा था, तो हमने करंट की वैल्यू बता दी, और अगर अनबैलेंस है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते, तो उसका भी हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं वो डिस्कस करेंगे।